नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। पिछले 33 दिनों से चल रहा लॉकडाउन इस भीड़ के कारण कहीं असफल ना हो जाए, क्योंकि इस भीड़ में ना तो कोई मास्क लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये नजारा है डबरा में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध अंत सरकारी अस्पताल के पास ग्राहक सेवा केंद्र के, जो वहां पर कूपन बांटे जा रहे हैं और सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है। अंतः बाहर का जैसा ही बैंक खुला, दर्जनों लोगों की भीड़ टूट पड़ी। यहां ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाला था और ना ही लोगों को चिंता थी, जो कि एक चिंता का विषय है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा 33 दिनों की तपस्या बेकार जा सकती है और लोग समझने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। इस महामारी से निपटने का एक ही उपाय है और वह है सोशल डिस्टेंस, जिसकी नगर में धज्जियां उड़ रही हैं। अतः जवाहरगंज ओवरब्रिज के नीचे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स की भी दुकानें खोली जा रही हैं। और आपको बता दें, हम ये जो तस्वीरें हैं वो सुबह 10 बजे की हैं। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। ला रहे हो सर, इसमें आप कस्टमर को क्या क्या सुविधा दे रहे हो सर? सर, सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, उसके बाद फिंगर लगा रहे हैं, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करा रहे हैं। टोकन बांट दिए गए हैं, 30 टोकन बांट दिए, उसके बाद 30 हो जाएंगे, उसके बाद नया बांटेंगे। और पीछे जो खड़े हैं उन्हें बोल दिया है घर पर चले जाए, भीड़ ना लगाए यहाँ पे। तो आप डेली के कितने वो कस्टमर को फ्री कर रहे हो सर? सर, कम से 100-150 कस्टमर। लेकिन फिर भी सर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है सर? नहीं मान रहे ना, हमने तो टोकन बांट दिए, उसने उनको सही लगा दिया, पीछे जो खड़े हैं वो गलत खड़े हैं, मना कर दिया। कौन सी ग्राहक सेवा केंद्र है आपकी? स्टेट बैंक की। शुभ नाम क्या है आपका? आशीष।